सब जैसे रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो गए, स्किन बड़ी जैसे ना थोड़ी सी, आप जो है अपनी एज से भी ज्यादा लगने लग जाते हैं जैसे आजकल आप, ये जी स्किन के जी हमारे बहुत सारे मसाले जैसे आपकी स्किन की हाइड्रेशन कम होती है ना, तो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात है कि जो टेंशन, जो परेशानियाँ होती है, उससे भी आपकी आपकी स्किन स्किन ख़राब बड़ी। होती है। जैसे आप हाँ रिंकल्स, आप मसलन आप अपने पेशानी पर रिंकल्स डालना शुरू कर देते हैं, तो उससे फिर वो परमानेंट पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी, अपने आप को हाइड्रेट रखें तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी। अच्छा, और इस बड़े कम तरह लोगों की मैंने ख़वातीन की स्किन देखी, बड़ी ग्लासी, बड़ी खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। और स्किन आपको, जाहिर सी बात है, अच्छी स्किन हो तो आपको जी वैसे वो ही बड़ी बहुत अट्रैक्ट करती है। बहुत ही बच अब उसके लिए अब कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना हाँ, उसको कुछ बचाव लोग के लिए। खैर नेचुरली बड़े बड़े जी प्यारे जी होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है। बेसिकली नेचुरली आप बच्चे की स्किन देखें ना कितनी अच्छी होती है, अल्लाह ताला ने उसे हाँ, ऐसी स्किन दी है। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो इन्वायरमेंट जो उस पर इफेक्ट वो करती है, चेंज होती वो रहती जो है। वो उसकी उसकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब अगर वो उससे बचते रहेंगे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, फिर स्किन उसकी बेहतर रहेगी। अब मेरा कहने का मकसद है अल्लाह ताला ने हर चीज़ बड़ी अच्छी परफेक्ट दी आपको, आप खुद उसे ख़राब करते हैं। हाँ।